हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। BMW की क्लास है जिसमें हमने कल पढ़ा था कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कनेक्शन तीन प्रकार से किया जाता है, सीरीज, पैरेलल और सीरीज एंड पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर? इसको हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। कैपेसिटर एक्चुअली दो प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में दो प्लेट्स होती हैं, दो चालक होते हैं, जिनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। दो प्लेट्स, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली डिवाइस जो विद्युत की मात्रा को क्या करती है, स्टोर करती है। विद्युत की मात्रा को वैद्युत विभव के गुणक के रूप में स्टोर करती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे वितरित करती है। मतलब एनर्जी को स्टोर करने की एक ऐसी डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर वितरित करती है, कैपेसिटर कहलाती है। एक ऐसी डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर डिस्चार्ज कर करती है, कैपेसिटर कहलाता है। कैपेसिटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर डिस्चार्ज करती है। दोनों प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, जैसे कि मान लो ये आपकी दो प्लेट्स हैं, एक ये कुंजी लगी हुई है और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। कैपेसिटर है, इस पर मान लो ये प्लस ये माइनस, इस पर चार्ज है क्यू और ये है माइनस क्यू। माइनस क्यू बैटरी को हमने जब इससे कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। जब बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ जाएगा तो वो इधर डिक्रीज करेगा, यानी माइनस की तरफ अट्रैक्टिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब आप पढ़ते हैं एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी। एप्लीकेशन के एप्लीकेशन पढ़ते हैं। पहला एप्लीकेशन है कि रेडियो रिसीवर में स्टेशनों को मिलाने के लिए रेडियो रिसीवर में स्टेशन को मिलाने के लिए यूज करते हैं इसको। दूसरा, जो आपके स्विच है ऑन ऑफ स्विच, के ऑपरेशन एंड चलाने में ऑपरेशन में तथा रिले में यूज किया जाएगा।
रिले। पेट्रोल इंजनों के डिस्ट्रीब्यूटर में पेट्रोल इंजन के डिस्ट्रीब्यूटर में इस पार्किंग को रोकने के लिए इसका यूज किया था। चौथा एप्लीकेशन इसका है पावर फैक्टर को इम्प्रूव कराने में। पावर फैक्टर को इम्प्रूव कराने में इसका उपयोग करते हैं। ये चार एप्लीकेशंस हुई। पहला रेडियो रिसीवर में स्टेशन को मिलाने के लिए, रेडियो रिसीवर में स्टेशन को मिलाने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑन ऑफ स्विच के ऑपरेशन तथा रिलेज में, पेट्रोल इंजन के डिस्ट्रीब्यूटर में स्पार्किंग को रोकने के लिए और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। ये हो गई इसकी, अब बात करते हैं, ये एप्लीकेशन हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका संधारित्र की वैद्युत धारिता, इसकी धारिता पढ़ेंगे। संधारित्र की वैद्युत धारिता, संधारित्र की वैद्युत धारिता मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर मतलब धारिता कैसे कहते हैं। तो संधारित्र द्वारा वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र द्वारा वैद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता, वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाएगी, आपकी धारिता कहलाती है। किसी संधारित्र के लिए उसकी धारिता एक कांस्टेंट होती है। किसी संधारित्र के लिए उसकी धारिता एक कांस्टेंट होती है। क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है, जिसे सी से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं और मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होता है इसका फैराड। यदि किसी संधारित्र के आर पार, मान लो यदि किसी संधारित्र के आर पार मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेज बी पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है,
तो संधारित्र की तो संधारित्र की प्रकृति के अनुसार क्या होगा, संधारित्र पर विद्युत आवेश क्या होगा, संधारित्र पर विद्युत आवेश Q क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अर्थात Q अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, Q इजिकल टू सी बी, सी इजिकल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन बी। मात्रक देख लो इसका, Q का मात्रक कूलाम यानी चार्ज है, कूलाम प्रति क्या आ जाएगा, बी का मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, और कूलाम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं हम, फैराड कहते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट बराबर फैराड, ये इसका मात्रक हो गया। सी का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसकी किस किस पे ये डिपेंड करता है, किस किस पे डिपेंड करता है, संधारित्र की धारिता की निर्भरता, संधारित्र की धारिता की निर्भरता, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी पढ़ेंगे। तो ये मेन चीज किस किस पर डिपेंड करता है, नंबर एक प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर यानी एरिया ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, ये क्या करता है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एरिया के समानुपाती होता है एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है सी के। दूसरा डिपेंड करता है ये प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी पे क्या है, सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये दूरी के विलोमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और दूरी के विलोमानुपाती होता है। अच्छा और किस चीज पर डिपेंड करता है, प्लेटों के बीच के मीडियम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम, मीडियम, माध्यम पर, प्लेटों के बीच में मीडियम क्या क्या मीडियम है, ये उस पर डिपेंड करता है, इसके समानुपाती होता है। सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन।